नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी लेटेस्ट अपडेट में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है, जो कि हमारे आरजीपीवी डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों के एग्जाम से संबंधित थे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आरजीपीवी इंजीनियरिंग एग्जाम फॉर्म ऑफ मई जून 2022 आर लाइव। लास्ट डेट विदाउट लेट फी 20 मई 2022। आरजीपीवी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के परीक्षा फॉर्म लाइन ओपन हो गई है, जो 20 मई तक बिना फाइन के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट विद लेट फी ऑफ ₹100 27 मई 2022। 27 मई तक ₹100 फाइन के साथ आप अपनी फ़ी जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट विद लेट फी ₹100+₹100 पर डे 31 मई 2022। 31 मई तक ₹100 पर डे के फाइन के हिसाब से आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों के मई जून में होने वाले एग्जाम के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, और आपका एग्जाम इसका मतलब है कि जून में होगा। इसके बाद आरजीपीवी ने एक नोटिस और दिया है रिगार्डिंग 6 सेमेस्टर OCBC मैकेनिकल इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्शन इन एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के सब्जेक्ट सिलेक्शन से संबंधित नोटिस दिया हुआ है 6वें सेमेस्टर OCBC के इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के संबंध में। तो दोस्तों, नोटिस राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के परीक्षा आवेदन पत्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष मई जून 2022 की परीक्षा में OCBC 6वें सेमेस्टर की परीक्षा प्रथम बार आयोजित हो रही है। सभी संस्थाएं तत्काल छात्रों के फॉर्म फॉरवर्ड करने से पूर्व इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। मैकेनिकल की OCBC स्कीम में 6 विषयों में से 2 विषय चुनने का विकल्प पूर्व में दिया गया था, जिसके आधार पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा विषयों का चयन कर अध्ययन कार्य कराया गया। व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण स्कीम में 6 विकल्पों में से 2 का चयन करने के स्थान पर 3-3 विकल्प के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से 1-1 विकल्प का चयन किया जाना है। तो दोस्तों, जो आरजीपीवी ने मैकेनिकल इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्शन से संबंधित नोटिस दिया है, वो नोटिस डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन नोटिस आपको मैं रीड कर रहा हूँ। तो इसमें आरजीपीवी ने इलेक्टिव में 3-3 के ग्रुप में डिसाइड किया है, उसमें से आपको 3 में से 1 इलेक्टिव सिलेक्ट करना होगा जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों में से 1-1 इलेक्टिव आपको चुनना होगा, 1-1 विकल्प का चयन किया जाना है। यदि आपकी संस्था में 1 ही ग्रुप के से 2 इलेक्टिव पढ़ाए जा रहे हैं, तो 1 विषय का चयन इस ग्रुप से करें व अन्य विषय के चयन के लिए दूसरे ग्रुप के प्रथम विषय का चयन करें। गलत सिलेक्ट किए गए विषय एवं वास्तविक अध्यापन कराए गए विषय की जानकारी उनके रोल नंबर सहित तत्काल विश्वविद्यालय में ईमेल आईडी एवं पर मेल करें, जिसमें फॉर्म फॉरवर्ड के पूर्व विद्यार्थियों के विषयों के जो 1 ग्रुप में 2 आ रहे हैं एग्जाम फॉर्म ठीक कर दर्शाया जाएगा। उपरोक्त कार्रवाई दिनांक 9 मई 2022 तक पूर्ण की जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय स्तर पर विकल्पों को ठीक करने के उपरांत ही ऐसी संस्थाएं परीक्षा फॉर्म अग्रेसित करें। तो मैकेनिकल को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म विकल्प चुनने एवं अग्रेसित करने की कार्रवाई साथ साथ की जा सकती है। तो दोस्तों, आरजीपीवी ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है, साथ ही आपके एग्जाम फॉर्म भी अपलोड कर दिए। ओके, थैंक यू।